हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रोग्राम इंग्लिश है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इट्स ओनली अ गेम एंजॉय, जो कि तरुण जी तेजपाल द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, तरुण जी तेजपाल द्वारा लिखी ये चैप्टर क्रिकेट पर आधारित है। इस समय पूरी दुनिया में 2.5 बिलियंस ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और क्रिकेट पूरी दुनिया में टॉप सेकेंड की लिस्ट में आता है। दोस्तों, क्रिकेट को एशिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चलो दोस्तों, ज्यादा समय ना लगाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में तरुण जी तेजपाल जी बताते हैं कि लोगों ने क्रिकेट को महज एक गेम के नजरिए से ना देखकर एक धर्म और एक राजनीति से जोड़ दिया है। और तरुण जी तेजपाल जी बताते हैं कि जैसा कि चैप्टर का नाम है इट्स ओनली अ गेम एंजॉय, यानी कि ये सिर्फ एक खेल है और इसको एंजॉय करो। दोस्तों, राइटर बताते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, तब पूरी दुनिया के लोग इस मैच को देखने के लिए बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मैच को लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मैच हिंदू और मुसलमान का मैच हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राइटर बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है और इसे खेल ही रहने दो। राइटर के अनुसार क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी बॉल को चारों तरफ हिट करता है तथा मैदान में अपनी स्किल तथा सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है, तथा हमें इसे एक युद्ध ना समझकर इसे पूरे दिल से इंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, इस चैप्टर का एक दूसरा भाग भी है जहां राइटर बताते हैं कि कैसे क्रिकेट इंडिया में बाकी सभी खेलों को मार रहा है। तो जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला खेल है वो है क्रिकेट। साथ ही साथ लोग क्रिकेट को लेकर इतने सीरियस होते हैं कि बाकी अन्य खेलों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। लोगों को बहुत से क्रिकेटर्स के नाम पता होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली इत्यादि, लेकिन अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि मेजर ध्यानचंद कौन थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेजर ध्यानचंद इंडिया के एक महान हॉकी प्लेयर थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले ही मैच में 3 गोल्स और ओलंपिक खेलों में 35 गोल्स तथा इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने करीब करीब 400 गोल्स बनाए थे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से क्रिकेट इंडिया में बाकी सभी गेम्स को मार रहा है। और साथ ही साथ राइटर अपने इस चैप्टर के अनुसार हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी खेल में किसी राजनीति या धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, हमारी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए।